किसानों की दिल्ली के बीच मीटिंग लगातार जारी है तो मीटिंग के बीच कुछ की कुछ निकल के सामने आएगा बड़ा सवाल आ। तो अज सब तो वड्डी खबर यही कि मीटिंग का हल होएगा या मुड़ तो किसान जिहड़े ने वो हल्ला बोलणगे। दिल्ली के बीच किसान डटे हुए ने, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के बुलारे ने सुरेंद्र सिंह लोहारी। लोहारी साहब स्काई न्यूज़ से बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। जी उसमें से जैसे हमने उनको ये बताया कि हमारा एक ही मुद्दा है, ये कैंसिल होने चाहिए, मतलब रद्द होने चाहिए कानून। तीन कानून ये जो पहले पास हो चुके हैं, एक जरूरी वस्ता एक्ट और एपीएमसी एक्ट और एएमसी एक्ट और चौथा है इलेक्ट्रिसिटी शोध बिल जी 2020 जिसका ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है, और एक है पराली वातावरण को साफ रखने के लिए पराली जलाने पे 1 करोड़ जुर्माना और 5 साल कैद। इसके लिए हम पांचों को कैंसिल करवाना चाहते हैं जी। और सरकार अगर ठीक लाइन पे आती है जैसे जी जी लिखती देती है कि वो पार्लियामेंट सेशन जल्दी बुलाएंगे जी, और पार्लियामेंट सेशन में पुराने कानूनों को कैंसिल करके नए कानून जो किसानों के सिर के साथ डिस्कस करके बनाए जाए, तो किसान अपना ये आंदोलन समाप्त करने के लिए सोच सकते हैं जी। अभी तकरीबन सभी जो रास्ते हैं जी वो बंद है जी, मेन हाईवे बंद है जी। अगर सरकार ने कल तक इसका जवाब नहीं दिया जी तो उसके बाद में जो छोटे रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे जी। नहीं लोहारी साहब देखो मीटिंग चल रही है, मीटिंग दा एक हुण लंच ब्रेक हुई है, लंच ब्रेक तो बाद की कुछ रणनीति किसानां दी रहेगी जे अगर अज हीला कुछ होएगा या सिर्फ उत्थे ही डटे रहणगे किसान। सब तो बड़ा सवाल तो यही निकल के अज सामने जिहड़ा आ रहा जी। लुहारी साहब तुहाडे तो रिक्वेस्ट है, तुसीं पंजाबी च ही बोलो तो साडे दर्शकां नूं बहुत चंगे तरीके नाल समझ आ जाणी। ठीक है हाँ जी। आज जो मतलब जो उन्होंने 3 तरीक को 1 तरीक को बोला था उसके बारे में बिल्कुल लिखती रूप में उनको दिया गया है कि किसान क्या चाहते हैं जी, और किसान अपना संघर्ष कैसे यहाँ से हटा सकते हैं जी। इसके बारे में सरकार ने लिखती रूप में ले लिया है जी, और सरकार को हम 1 दिन और दे सकते हैं जी। बिकॉज उन्होंने ये मीटिंग के बाद जाकर ऊपर दूसरे मंत्रियों से दूसरों से डिस्कस करना है। अगर 5 तारीख तक जी सरकार जी के बारे में ढीला रवैया रखती है जी जी, तो फिर इसके बाद में 5 तारीख को हो सकता है हम कुछ पुतले भी जलाएं जी, और 8 तारीख को जैसे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने भी बोल दिया है कि वो भी हमारे हक में आएंगे जी, और बहुत सारे ऐसे यूनियन हैं जो हमारे हक में आएंगे जी। इसके बाद में हम 8 तारीख के बाद में सभी छोटे मोटे रस्ते जितने हैं जी दिल्ली को जाने वाले सब ब्लॉक करेंगे जी। ते और देखो सरकार के पास राशन पहले ही कम है जी, हमारे पास 6 महीने का राशन है जी, और सरकार के पास अभी 15-20 दिन का राशन रह गया है जी। अगर हमने ब्लॉकेज कर दिया जी जी, वो हम अभी नहीं चाहते, इसलिए टाइम दे रहे हैं जी। हम अपने देशवासियों के जी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ना कि देशवासियों को तंग करने के लिए जी संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो कुछ एहो जे जेड़े बयान आ रहे ने लोहारी साहब, जेड़े बयान आ रहे ने जिवें तुसीं कंगना रनौत का बयान देखिया
ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? जी जी इसलिए अब इनके ऊपर अखबार करने का किसी का भी मन नहीं जा रहा। हम सब कुछ इन राइटिंग चाहते हैं जी, ताकि हम बाद में ये ना पछताए, क्योंकि मोदी साहब दो दफा पहले भारतीय किसान यूनियन को सिद्धूपुर को दो दफा राइटिंग में दे चुके हैं जी, हम MSP लागू करेंगे जी। MSP क्या लागू किया? सिर्फ प्रोडक्शन प्राइस दिया है, ये हमारा जो बनता है ना, जिसको ये MSP बोलते हैं जी, ये 2000 रुपया नहीं बनता है। हमारा MSP बनता है 3100 रुपया जी, क्योंकि ये 2000 रुपया जो दे रहे हैं 1888 रुपए, ये तो हमारी लिविंग कॉस्ट है जी, तो हमारा खर्चा हुआ। MSP का जो स्वामीनाथन कमीशन है वो बोलता है कि MSP वो है जिसपे कॉस्ट प्रोडक्ट जो उसकी है कॉस्ट प्लस 50% जी। इसमें दो चार्ट होते हैं जो मतलब स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में बनाए गए हैं जी, ये सोचते हैं कि हमने पढ़े नहीं जी, दो चार्ट बनाए गए हैं A2L एंड C2L। C2A2L चार्ट है जो इंडिकेट करता है कि किसान का कितना खर्चा हुआ जी, और उसकी रिपोर्ट में लिखा है जितना किसान का खर्चा हुआ उसके ऊपर उसको 50% देना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को अपने सभी कॉस्ट मकान बना सके, अपने बच्चों की शादी कर सके, बच्चों को पढ़ा सके जी जी। इस बार का रिपोर्ट और स्वामीनाथन जिसको इन्होंने बेरुपया कर दिया है जी। ਅਤੇ ਲੋਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਕੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, सारे इंडिया में आग की तरह फैल जाए जी, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये BJP बिल्कुल बेवकूफ पार्टी है जी, इसको तो अभी शासन से जाना ही चाहिए जी। इनके अपने ही खुद के MLA और MP अगर आप कल को देखते हैं तो बहुत सारे MP भी, अगर पार्लियामेंट सेशन होता है तो आप देखेंगे कि इनके 150 से 150 ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।